हेलो एवरी वन आई मान शू फ्राम शिव कंसल्टेंसी सर्विसेज वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर न्यू यूट्यूब सीरीज जिसके अंदर हम सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के इंटरव्यूज करेंगे जो हमारे एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद दैट जितनी कंपनीज को हम कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंपनी ओनर्स को भी हम अप्रोच करेंगे विल ट्राई टू फिगर आउट फिक लाइफ जर्नी की कैसे उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया कैसे उस बिजनेस को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया और कैसे वो आज उसको सस्टेन कर पा रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है और उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो अपना खुद का एक बिजनेस करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी एक बिगिनर लेवल पर अपना बिजनेस

अगर आप किसी क्लाइंट को प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे तो उससे क्लाइंट के लिए भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं आपकी भी मार्केट में गुडविल बिगड़ती है जो नए लोग हैं और जो पुराने लोगों के साथ में कम्पीट करना दैट इज़ वेरी टिपिकल शुक्रिया कहना चाहूँगा ब्रजेंद्र सर का जिन्होंने हमें शुरुआत से गाइड किया सपोर्ट किया हर मोमेंट पर हर चीज़ पर कोविड में आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया और कैसे मतलब आपने सस्टेन किया आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं माय ड्रीम कंसल्टेंट के ओनर मिस्टर दीपक आसवानी सर जिन्होंने यंग एज में एक बिजनेस सेटअप किया है सर आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनुष्का फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस स्टेज मैं बताना चाहूँगा कि हम एज ए माई ड्रीम कंसल्टेंट बेसिकली सारी काइंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम लोग यूजअली किसी भी क्लाइंट के लिए एंड टू एंड सर्विसेज देते हैं जैसे अगर कोई भी क्लाइंट हमारे यहाँ आता है तो उस क्लाइंट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे उसको एक पैन कार्ड बनाना है उसकी फॉर्म बनानी है इनकोऑपरेशन करने हैं तो एक जीरो से लेकर के एंड तक उसकी फंडिंग करना उसको स्टार्टअप के फंड्स रेज करवाना तो ये सारी सर्विस हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं इसके अंदर हम लोग का जो बेसिक वर्किंग है दैट इज जी एस इनकम टैक्स अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिट ई एस ट्रेडमार्क एंड मल्टीपल अदर सर्विसेज जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर हम प्रोवाइड करवाते हैं और ये सारी सर्विसेज़ आप हमारे जो वेबसाइट है दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट माई ड्रीम कंसल्टेंट डॉट कॉम वहाँ जा कर के भी चेक कर सकते हैं और यही हमारा बेसिकली बिजनेस है जिसमें हम लोग सर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट स्टार्टअप किया और स्टार्टअप में कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया दैट इज ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स बैक और इसके अंदर इनिशियली जब हमने शुरू किया तब बिजनेस को करना इस तरीके के सेटअप को करना और प्लस जो नए लोग हैं और जो पुराने लोगों के साथ में कंपीट करना दैट इज़ वेरी टिपिकल हमने एक बहुत ही छोटे से uh, तरीके से इसको स्टार्ट किया था विद प्रॉपराइटरशिप फॉर्म और स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग जुड़ते रहे काम हमारा बढ़ता गया और कोशिश यह है कि एक फ्रेंचाइजी लेवल पे हम लोग जाना चाह रहे हैं और उसी की कोशिश अभी हम लोग कर रहे हैं उस फ्रेंचाइजी लेवल पे जाने के लिए हम लोग की कोशिश ये है कि अभी हम लोग काफ़ी ट्रैवलिंग्स में भी हैं और काफ़ी हद तक uh, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम हम लोग फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और इस बिजनेस को और स्केल अप कर पाए बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस बिजनेस के अंदर द थिंग इज कि आप किस लेवल पे इसको कर सकते हैं तो दैट्स ऑल अप टू टू टीम टीम थैंक्स एंटायर हु आर डूइंग गुड एंड उनके सपोर्ट से वी आर डूइंग गुड एज सो फार तो सर आप हमें ये बताएं कि आप स्टार्टिंग से बिजनेस लाइन में जाना चाहते थे या आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस में था एक्चुअली टू यू वेरी फ्रेंक हमेशा से बिजनेस करना मेरा सपना भी है और मैं करना चाहूँगा भी और जिस लेवल पे अभी हम लोग हैं वो मैं कहूँगा भी इट वुड बी लाइक टेन परसेंट बट इट कुड भी हंड्रेड परसेंट तो अभी कोशिशें जारी हैं और इसको एक अच्छे लेवल पे और स्केल अप हमें करना है बात करें हमारे बिजनेस मेंबर्स की और जो बिज़नेस बैकग्राउंड की तो बिजनेस पिताजी का और भैया का सबका डिफरेंट है हम लोग का इट्स वुड बी आई फर्स्ट बिजनेस इस तरीके का काम करना और बिकॉज ऑफ़ कि भाई मुझे करना यही बिज़नेस में था आगे मुझे इसी तरीके से काम करना था तो हम लोग बिजनेस में आ गए काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट रहा क्लाइंट जुड़ते गए तो आज लगता है कि नहीं अच्छा एक डिसीजन था और एक अच्छे लेवल पे अब चीज़ें स्केल अप हो रही हैं टीम का साथ है और हम लोग कर रहे हैं अच्छे से हमारा काम मतलब सब लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया हाँ पूरा मतलब एक अच्छा सपोर्ट रहा और जब जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी हमें हमारे इस बिज़नेस में तो उन्होंने प्रॉपर हमको गाइडेंस दी जो सीनियर्स थे उनसे भी हमको सपोर्ट मिलता रहा और जो हमारे साथ में हमारे टीम मेम्बर्स थे उन्होंने साथ दिया जो स्टाफ थे जो क्लाइंट्स थे क्लाइंट्स प्रॉपर्ली हमारे ऑफिस में आते थे उनको हमारी सर्विस अच्छी लगती थी तो यही चीज़ें थी फिर हमने धीरे धीरे अगले स्केल पे काम करना स्टार्ट किया अपनी वेबसाइट्स डेवलप करी ऑनलाइन प्रमोशन ब्रांडिंग्स करी हमने अलग अलग जगह के और क्लाइंट्स जोड़े फिर कुछ फ्रेंचाइजी बांटनी स्टार्ट करी सो अब लगता है कि नहीं ठीक है एक अच्छा मूव है और इसे हम काफ़ी हद तक और स्केल अप कर सकते हैं बिकॉज इस बिजनेस में जितना मुझे लगता है देर इज़ एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ द थिंग इज ओनली द सर्विसेज़ योर बेस्ट सर्विसेज यू विल डेफिनेटली रॉक मतलब बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं सर करंटली आपके बिज़नेस में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं करंटली इन हाउस हम लोग के पास में अभी टोटल तेरह मेंबर्स हैं और जिसमें वी आर एच ग्रुप ऑफ सी एस एंड एडवोकेट्स तो अभी सब लोग का एक पैनल है जिसके अंदर हमारे पास इंटर्न्स भी हैं तो इन हाउस अभी हम लोग की बारह से तेरह लोगों की टीम है और उसके बाद में कुछ स्टाफ मेम्बर्स हैं जो कि हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं काम सीखते हैं uh, इसके अलावा बेसिकली इन हाउस के अलावा हमारे पास में जो यू एस पी हम लोगों की कि काफ़ी सारे एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं और कब भी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली uh, वो भी हमारे एसोसिएशन का ही पार्ट है तो दे आर ऑल्सो टीम मेंबर्स और सर कोविड में आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया और कैसे मतलब आपने सस्टेन किया एक्चुअली दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड इसके अंदर बेसिकली क्या रहा कि कोविड में जहाँ काफ़ी हद तक लोगों को और बिजनेस को लॉस हुआ और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रेज हुई कोविड में हमने हमारे बिजनेस को स्केल अप किया हमने कुछ नई चीज़ें ट्राई करी और ऊपर वाले की दया से वो चीज़ें हमारे काम भी आई और उनसे हमको काफ़ी सपोर्ट भी मिला हुआ ये कि वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट उस टाइम पे ही हमको समझ में आया उससे पहले तक हमें लगता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हम कर पाएंगे आ, पूरे टीम मेंबर्स को हमने वर्क फ्रॉम होम दिया और उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली कंप्लीट किया प्लस जो एसोसिएट थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से वर्क फ्रॉम होम से काम करना स्टार्ट किया नए लोग हमारे साथ में और जुड़े उस टाइम पीरियड के अंदर हम थोड़ा सा लार्ज स्केल में अपग्रेड कर गए रीज़न सिर्फ यही था कि काफ़ी लोग उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए हमने उनके लिए कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट का ट्राई किया कि हमको कुछ एम्प्लॉयमेंट कर पाएँ उसी टाइम पर हम लोग का आइडिया आया कि वी कैन प्लान फॉर ए फ्रेंचाइजी और हमने तब से ही वो फ्रेंचाइजी वाला प्लान करना स्टार्ट किया इवन उस टाइम पीरियड के अंदर हमने बिना कुछ प्रॉपर वर्किंग के भी हमने कुछ इनिशियली फ्रेंचाइजी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी कुछ समय बाद तो हमने उन सबको फ्रेंचाइजी के लाइसेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाए तो वहाँ से हमने स्केल अप किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कोविड के अंदर भी घर से बैठ कर काम करना समझ में आया कि हाँ आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और घर वालों का भी सपोर्ट रहता है उस टाइम पर आपके पास

Uh, हमारे यहाँ कोई भी नए आर्टिकल्स आते हैं इंटर्न्स आते हैं काम सीखने के लिए तो मेरा सबसे एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप क्यों रिटेन करना चाहते हैं आप यही बिज़नेस और यही वर्किंग के अंदर आप क्यों आना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होती हैं कि वाकई में उनका ये इंटेंशन है सीखना या वो सिर्फ़ एक टाइम पास करने के पर्पस से आकर के ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो लेट इट बी वेरी क्लियर अगर किसी का इंटरेस्ट है कि उसे उस काम के अंदर आगे बढ़ना है सक्सेस प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली वहाँ पर हर वो बंदा जो कि ये काम सीखता है अगर वो रिटेन रहता है तो डेफ़िनेटली उसको सक्सेस मिलती है बट एक्चुअल में आपको हॉबी कुछ और है और आपने ज्वाइन इसे कर लिया तो आपको कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगी तो टू वेरी फ्रेंक अगर आप चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना तो आप रिटेन कीजिए इनिशियल कुछ टाइम आता है वो सबके लिए आता है हमारे लिए भी आया दो महीना छः महीना इट कुड बी कु सिंगल ईयर बट अगर आपने वो इनिशियल टाइम निकाल लिया और सस्टेन किया अपने आपको उस पोजिशन के लिए उस वर्किंग के लिए और प्लस क्लाइंट्स के साथ में ट्रस्टवर्दी सर्विसेज को अगर आपने डिलीवर करी तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेस हो चाहे वो हमारा काम हो चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी वर्किंग हो डेफिनेटली आपको सारे जो भी आपके टारगेट्स आपके प्लानिंग्स हैं आपके फुलफिल होंगी सारे सपने आपके पूरे होंगे और मैं यही कहना चाहूँगा इट नॉट ए सिंगल दीपक आसवानी देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर मोस्ट करेजिंग uh, और उनके पास में काफी डेडिकेशन है काफी सारे उनके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं काफी सारे उनके पास में अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, स्मार्ट आइडियाज हैं जिसपे वो लोग काम कर सकते हैं और कर रहे हैं एक्चुअली तो डेफिनेटली वो लोग जब इस पर काम कर रहे हैं आप भी बन सकते हैं आप भी कर सकते हैं और काफी हद तक अपने बिजनेस को अगले लेवल के लिए स्केल अप कर सकते हैं यह है मेरा थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रीशियस टाइम थैंक यू थैंक यू अनुष्का फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर एंड उसके अलावा आपके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शिव कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को जिन्होंने यूट्यूब पर हमें इस चीज़ के लिए बुलाया आमंत्रित किया तो थैंक यू शिव कंसल्टेंसी सर्विसेज़ जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरी नज़रों में और काफ़ी हद तक जो इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर ब्रजिंदर सर उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और मैं आदर्श मानता हूँ उन्हें क्योंकि शुरुआत में जब हमारे क्लाइंट जुड़ने स्टार्ट हुए थे उसी टाइम पर सर हमारे साथ जुड़े हम जा कर के उनसे मिलकर आए और बिकॉज़ इनिशियली जा कर के आपको मिलना पड़ता है तो हम सर से मिले और सर ने काफ़ी अच्छे से हमें चीज़ों को समझाया एक गाइड किया प्रॉपर तरीके से बींग ए फैमिली मेम्बर बींग ए फादर वी कैन से और वो जो समझाई हुई चीज़ें हैं और जो उन्होंने हमें को गाइड किया वो चीज़ें आज भी हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे लिए अच्छी हैं और शुरुआत में जो क्लाइंट तो आपको जोड़ने होते हैं तो अगर आपको एक अच्छा मैंटॉन मिल जाता है और वो आपको वहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो वो आप लाइफ में हमेशा याद रखेंगे चाहे आप उसके बाद में सौ क्लाइंट जोड़ें चाहे दो सौ जोड़ें चाहे आप किसी लेवल पे स्केल अप करें हैं। उस टाइम पे अगर हमारा टर्न ओवर पचास ग्यारह लाख का भी था आज अगर हम करोड़ों में भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपको वो इंसान हमेशा याद रहेगा जो आपको शुरुआत के अंदर आपको हेल्प करता है गाइड करता है तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा ब्रिजेंद्र सर का जिन्होंने हमें शुरुआत से गाइड किया सपोर्ट किया हर मोमेंट पर हर चीज़ पर और हमेशा हमें हर चीज के लिए प्रॉपर आइडियाज वगैरह वो शेयर करते रहे तो काफी हद तक उनसे मुझे सपोर्ट मिला और वो भी काफ़ी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई एस आई पी एफ एंड मल्टीपल अदर सर्विसेज और मुझे नहीं लगता उनसे बेटर इस तरीके की सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है अभी और थैंक यू फॉर दैट एज वेल थैंक यू सो दिस वॉज वीडियो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कर सकते हो उन सभी लोगों के साथ में जो अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं आगे चल के या फिर ऑलरेडी बिगिनर लेवल पे एक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और आगे चल के इसी टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि उन सभी वीडियोस के अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग